एमएस यूनिवर्सिटी अने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार वच्चे दिल्ली खाते बनी रहेला संसद भवन सेंट्रल विस्टाना नॉलेज पार्टनर तरीके एमओयू करायु हतु, जेमा यूनिवर्सिटी नी फाइन आर्ट सहित नी फेकल्टीओनो समावेश थाय छे। वडोदराना कलाकारो देशभरना ख्यातनाम स्थळोने कृतिने सेंट्रल विस्टानी दीवालो पर कंडारशे। संसद भवनना नवा बिल्डिंग माटे भारतभरमांथी आर्ट वर्क बनावाशे, फाइन आर्ट सहितनी फेकल्टीओ तेमा भाग लेशे। कई कृतिनी पसंदगी करवानी छे तेना रिसर्च अने तेने बनाववामां समय जशे। यूनिवर्सिटी नॉलेज पार्टनर तरीके एक्सपर्ट तरीके काम करशे राणी नी वाव, अडालज नी वाव, वडनगर ना कीर्ति तोरण सहितनी गुजरातनी प्रख्यात कृतिओमांथी पसंदगी पामनार कृति संसद भवननी दीवाल पर लागशे। पहला रो वर्क तैयार कर्या बाद जे पण कलाकृतिनी पसंदगी थशे तेने संसद भवनना प्रवेशनी दीवाल पर कंडाराशे, ज्यांथी वीवीआईपी एंट्री छे त्यां आ कृतिओ जोवा मळशे। आपको जैसा कि मालूम होगा, दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। उस परिसर को हम लोग सेंट्रल विस्टा नाम से जानते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की दिव्य सोच और दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप ये नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। उसमें जो आर्ट वर्क है, आर्ट वर्क और जितना भी इंडिया का हमारा कल्चरल हेरिटेज है, उसको भी संसद भवन में दिखाने का एक प्रयास हो रहा है। क्योंकि संसद जो है पूरे देश से चुन करके आते हैं और संसद भवन में बैठ करके सारे सत्रों का हम लोग आह्वान करते हैं। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो भी वहाँ पर पहुँचे उसको पूरे भारत की एक झलक देखने के लिए मिले। इसलिए जो भी आर्ट वर्क और इंडियन कल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा को नॉलेज पार्टनर के रूप में चुना गया है। अभी 3 तारीख को मैं दिल्ली जा कर के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के साथ में MOU साइन करके आया। अभी हम लोग उनके ऑफिशियल नॉलेज पार्टनर हैं और आगे का जो भी सूचना आर्ट वर्क का हम लोगों को दिया जाएगा वो सारा कामकाज हम लोग आने वाले समय में एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा काम है, मतलब और द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, साथ ही बड़ौदा शहर के लिए बहुत गौरव की बात है। इसमें जो भी कलाकृति चुनी जाएंगी, जो भी आर्ट वर्क चुना जाएगा, उसके लिए बहुत सारा रिसर्च की आवश्यकता होगी। ये कुछ ऐसा काम नहीं कि सीधे जा कर के आप उसको ड्रॉ कर सकें। तो हमारे जो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है, फैकल्टी जो है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग ग्रुप्स बना करके हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग उसमें जो सिलेक्टेड कलाकृतियाँ हैं उनको हम लोग कैसे वहाँ पर जा कर के ड्रॉ कर सकें और कैसे उसको आगे बढ़ा सकें। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फाइन आर्ट्स फैकल्टी द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की एक प्रख्यात फैकल्टी है। उसमें बहुत सारे हमारे एलुमिनाई भी हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। वो केवल बड़ौदा में नहीं है, वो पूरे देश में फैले हुए हैं। हम लोग शायद तक उनकी भी मदद लेंगे, क्योंकि जो भी संसद भवन में प्रस्तुति होनी है वो एकदम उत्तम नहीं, वो सर्वोत्तम ही होनी। तो उसके लिए पूरी रिसर्च वर्क हम लोग करके जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा, क्योंकि उसमें MS यूनिवर्सिटी का नाम जुड़ा हुआ है, हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा हम लोग उसमें जो भी रिसर्च है, जो भी टाइम फ्रेम डिसाइड किया जाएगा, उस टाइम फ्रेम में हम लोग वो काम करके देंगे। ये जो है सरकार ने अपने ढंग से शायद कुछ सर्वे किया होगा, लेकिन उसमें हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से ही सूचना आई थी। पहले सूचना फ़ोन के माध्यम से आई, उसके बाद हम लोगों ने ऐसा सोचा कि इसको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। 3 तारीख को हमको वहाँ आमंत्रण दिया गया, बुलाया गया, और उसी 3 तारीख को हम लोगों ने इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो एक केंद्र है उसमें जाकर के हम लोगों ने MOU साइन किया। वडोदरा थी दिग्विजय पाठक नो अहवाल, गुजरात तक।